तो हाँ भाई करें शुरू। तो आज की इस वीडियो के अंदर मेरे पास एक ऐसा फोन है जिसको ये बोला जा रहा है कि 22,000 रुपए में इससे तगड़ा फोन नहीं है मार्केट के अंदर, और ये फोन 30,000 वाले फोन के कैमरास को भी पेल देता है। मतलब मोटरोला ने इतने तगड़ा कमबैक कर लिया है अपने कैमरास के अंदर। तो ये है मोटरोला एज 50 फ्यूजन, और भाई क्या एक्चुअली ये इतना तारीफ लायक है जितनी इसकी मार्केट के अंदर तारीफ हो रही है? क्या एक्चुअली इसके कैमरास वर्थ हैं 30,000 वाले फोन को पेल रहे हैं? तो उन सब की बात करेंगे इस वीडियो के अंदर। मेरा नाम है पीयूष, इस वीडियो में बने रहिए शुरू से लेकर एंड तक। और अगर आपके पास ये वाला फोन है तो अपनी ओपिनियन और अपना एक्सपीरियंस भी शेयर कर सकते हो कमेंट में, आपका भाई आपके कमेंट्स पढ़ने वाला है। देखो मैं इस फोन को जब से यूज कर रहा हूं, जब से ये फोन लॉन्च हुआ है, और भाई इसके लॉन्च के बाद जब ये फोन मेरे हाथ में आया था ना, मैंने इसे यूज करने स्टार्ट करा, मेरे दिमाग में एक बात आई। मतलब यहां पर कर्व पैनल है, और पहले क्या था मोटरोला फ्रेम पतला रखता था, लेकिन इसका फ्रेम थोड़ा सा चौड़ा है। अब यहां पर सैमसंग ने भी सेम मूव लिया था अपने S24 अल्ट्रा में, S23 अल्ट्रा कंपैरिजन में अगर आप उसका फ्रेम देखोगे तो वहां पर भी मैंने ये चीज ऑब्जर्व की थी कि अब क्या है, एक तो कर्व बिल्कुल मिलती है फ्रेम से और यहां पर भी सिमिलर चीज है, दूसरा जब आप फोन को पकड़ते हो तो काफी कंफर्टेबल फील होता है। पहले चुभते थे फोन, लेकिन अब नहीं चुभते, थोड़ी बहुत और इंप्रूवमेंट हो गई है इन हैंड फील के मामले में, और विदाउट कवर चलाने में तो भाई मजा ही आता है। वैसे इस फोन के बॉक्स के साथ आपको कवर मिलता है, लेकिन आपके भाई ने विदाउट कवर चलाया ये फोन, और इसकी ग्रिप काफी अच्छी है। यहाँ पर जो पीछे सिलिकन लेदर दिया ना भाई, इसकी फील बहुत प्यारी आती है, आपके हाथ से नहीं गिरने वाले फोन, चाहे आपके हाथ ऑयली भी हो तो यहाँ पर मस्त पराठे वराठे खा के भी आप ये फोन चला सकते हो। बट अब जो क्वेश्चन आता है माइंड में, क्या ये जो लेदर है गंदी होगी? तो देखो ये मेरे पास काफी लाइट सा कलर है, थोड़ा ब्लू टोन में, यहाँ पर नाम आ रहा होगा क्या है इस कलर का नाम। अब इसको जैसे आप एक गंदे सरफेस पे रख दोगे ना बैक से, तो थोड़े बहुत स्मजेस आ जाते हैं, मतलब यहाँ पर डस्ट पार्टिकल चिपक जाएंगे, या आपने कोई डार्क कलर की जींस पहनी हुई और पॉकेट में फोन रखा है तो थोड़े बहुत लिंट मतलब रेशे लग जाते हैं बैक पे। बट अच्छी बात ये, हल्का सा साफ करोगे हो जाएगा, यहाँ तक कि धुल भी सकते हो। और आपको पता होगा एनसीआर में कुछ टाइम पहले थोड़ी बहुत बारिश पड़ी थी, तो उस टाइम ये फोन भीगा भी था, और IP68 रेटेड होने की वजह से इसमें कोई दिक्कत भी नहीं हुई है। तो मेरा जो एक्सपीरियंस है ना इन हैंड फील और ये IP रेटिंग के साथ बढ़िया रहा है। मैंने इस फोन को ना विदाउट स्क्रीन गार्ड यूज करा है, इतने दिन मैंने दो फोन एक साथ रखे, चाबी के साथ फोन रखा और फ्रंट से भाई फोन को ऐसी टेबल पर रख के भी यूज करा, और यहाँ पर कोई भी डीप स्क्रैच नहीं आई, आप खुद देख सकते हो, माइनर सी हेयरलाइन स्क्रैचेस हैं। तो इससे ऐसा नहीं है कि डिस्प्ले की क्वालिटी में प्रॉब्लम आई हो। डिस्प्ले की क्वालिटी आपको बता देता हूं भाई, मेरे को इसकी डिस्प्ले बहुत अच्छी लगी है। पंचायत 3 सीरीज आई, आपको पता ही होगा, किस किस ने देख ली कमेंट में जरूर बताना, और कौन सा पार्ट बेस्ट लगा वो भी बता सकते हो। खैर यहां पर मैंने इसके अंदर एक दिन में देख डाली है, OTT प्लेटफॉर्म पर फुल HD कंटेंट स्ट्रीम करा सकता है भाई, बढ़िया चलता है। यहां पर कलर एक्यूरेसी, शार्पनेस, कॉन्ट्रास्ट रेशियो बहुत बढ़िया निकल कर आता है, विंग एंगल्स में किसी तरीके का कोई टिंट नहीं लगा है। और बेस्ट पार्ट यही है कि भाई अगर आप इसे ऐसे पकड़ के रखोगे ना, ये देखो फोन लाइट वेट है जिसकी वजह से आप लॉन्ग टाइम तक इसे होल्ड करके कंटेंट स्ट्रीम कर सकते हो। इसके अलावा फुल व्यू एक्सपीरियंस मिला है मेरे को डिस्प्ले में, तो यहाँ पर डिस्प्ले की क्वालिटी बहुत बढ़िया है, लेकिन अभी भी आप OTT प्लेटफॉर्म पर HDR कंटेंट स्ट्रीम नहीं कर सकते, यहाँ तक कि यूट्यूब पर भी नहीं कर सकते। अब इसकी अपडेट मिलेगी या नहीं मिलेगी ये नहीं पता, बट मेरी गट फीलिंग कहती है कि नहीं मिलेगी, मिलनी होती तो मोटरोला इसे लॉन्च के टाइम पर ही देता HDR कंटेंट स्ट्रीमिंग के साथ। यहाँ पर जो आउटडोर विजिबिलिटी है ना भाई डिस्प्ले की, बहुत बढ़िया है। मैंने वीवो के V30e से आउटडोर में जाकर टेस्ट करा था, वीवो का फोन अंधा हो गया था, ऐसा लग रहा था उसमें भाई टॉर्च ले जाकर देखना पड़ेगा क्या लिखा है, लेकिन इसने अच्छी तरीके से दिखा दिया था, इतनी ब्राइट डिस्प्ले थी, जमीन आसमान का अंतर। तो इसकी आउटडोर विजिबिलिटी भी बहुत बढ़िया है, और इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर की एक्यूरेसी भी अच्छी है, लेकिन यही है कि जैसे फोन का साइज थोड़ा बड़ा है, यहाँ पर जो इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर है ना ये थोड़ा सा ऊपर होना चाहिए था, ये नीचे है, तो मेरे को हल्का सा इनकन्वीनियंट लगा, और ये मैंने काफी सारे फोनों के अंदर बोला है। तो बस यही है भाई, फोन की कंपनियां जब भी बड़ा साइज लाती है तो थोड़ा ऊपर रखें ना फिंगरप्रिंट सेंसर OnePlus की तरह, तो बेटर रहेगा। बाकी भाई स्टीरियो स्पीकर्स की क्वालिटी भी काफी अच्छी है, मैंने सीरीज तो इसके अंदर देखी है, साथ ही गेमिंग भी करी है विदाउट ईयरफोन, और बहुत बढ़िया स्पीकर्स की साउंड है। प्लस अगर आप टाइप सी ईयरफोन्स लगाना चाहते हो वो भी डायरेक्ट प्लग एंड प्ले है, ऐसे नहीं आपको अंदर जाके सेटिंग्स में से OTG इनेबल करना होगा, तो ये भी बढ़िया बात है। बट ये लगा मेरे को जब आप कॉल करते हो इसमें तो वाईफाई कनेक्टिविटी तो अच्छी है, लेकिन कॉलिंग के टाइम पर वो NR नहीं मिलता इसमें, बट जो स्पीड है वो 5G वाली आती है, कोल्ड ड्रॉप वगैरह नहीं मिला, और इंडोर भी जो इसकी स्पीड है 500 से 700 Mbps मिली है, जो कि ठीक है, बट कॉलिंग के टाइम पे वो NR और आ जाए ना तो मजा ही आ जाएगा। बाकी अब बात आती है इसके कैमरास की, जिसकी काफी ज्यादा हाइप बन रही है। तो यहाँ पर मैंने इसके कैमरे से ना वीडियो रिकॉर्ड करके देखी, देखो 4K में वीडियो काफी अच्छी स्टेबल रिकॉर्ड करके देता है बैक कैमरे से, एंड यहाँ पर इस लेवल की कोई भी स्टेबलाइजेशन नहीं देगा, यहाँ तक कि डिटेल्स और डेप्थ ऑफ फील्ड भी बहुत बढ़िया मिलती है। बट ये है कि थोड़ा सा कॉन्ट्रास्ट रेशियो हाई कर लेता है, जिससे काफी सारे लोगों को आपत्ति है, इवन मुझे भी है। तो मोटरोला ने जिस तरीके से कैमरा की हिस्ट्री चेंज करी है ना, थोड़ा इस चीज को और
प्रूव कर ले तो और भी ज्यादा तकड़ा होगा, लेकिन इस चीज में कोई भी दोराय नहीं है। ये कहा जा सकता है इसका फ्रंट और बैक कैमरा वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए बेस्ट है, इस प्राइस रेंज में नहीं 25,000 में भी किसी फोन को उठा लो उससे तगड़ी वीडियो रिकॉर्ड करके देता है। लेकिन अब जहां पर फोटो में स्ट्रगल करता है इसका कैमरा वो बात कर लेते हैं। अगर आप अपोजिट लाइट फोटो क्लिक करते हो तो इस सब्जेक्ट को काफी ज्यादा गोरा कर देता है, इवन काफी बार तो ऐसा भी लगता है जैसे ऑयल पेंट करके दियो फोटो। बट यहां पर मैक्सिमम जैसे आप कंट्रोल लाइट एनवायरनमेंट में फोटो क्लिक करोगे वहां पर काफी अच्छी डिटेल के साथ फोटो निकाल के देता है, चाहे वो इंडोर हो या आउटडोर हो दोनों ही कंडीशन के अंदर। प्लस यहां पर अगर इसके पोर्ट्रेट मोड की बात करी जाए तो तीन मोड मिलते हैं 24mm, 35mm, 50mm, और तीनों ही मोड के अंदर बहुत सॉलिड एज डिटेक्शन मिलता है, कलर्स अच्छे हैं, कॉन्ट्रास्ट रेशियो भी बढ़िया मिलता है। बट कहीं कहीं पर मैंने देखा कॉन्ट्रास्ट थोड़ा सा हाई कर लेता है जिसकी वजह से शेडो और बियर्ड ना मिक्स ही हो जाती है, तो वो थोड़ा सा इंप्रूवमेंट की जरूरत है, अदरवाइज बहुत बढ़िया फोटो निकाल के देता है। बस 50mm में जब आप फोटो क्लिक करोगे थोड़ी सी लाइट कम है तो उस टाइम पे थोड़ा सा स्ट्रगल करेगा एज डिटेक्शन और डिटेल के मामले में। लेकिन मैंने इसका ये 50mm और 35mm भाई 30,000-30,000 वाले फोन के कैमरा से कंपेयर करा है, उनसे तगड़ी डिटेल निकाल कर दी है। और मैंने किससे कंपेयर करा है उसके लिए आपको मैं चैनल पे विजिट करना पड़ेगा। लेकिन अब बात आती है लो लाइट फोटोज की। यहां पर आप खुद देख सकते हो 24mm में काफी शार्प फोटो क्लिक करके देता है। 1x के साथ साथ जैसे आप 2x पे स्विच करके फोटो क्लिक करोगे ना, वहां पर मैंने एक प्रॉब्लम फेस करी है, चाहे 2x पे करो या 50mm पोर्ट्रेट पे करो, जैसे आप फोटो क्लिक करोगे भले ही नाइट मोड पे ना हो फोन और आपने फोटो क्लिक करते तुरंत हाथ डाल लिया तो फोटो थोड़ी सी ब्लर हो जाती है। तो यहां पर ऐसा इस वजह से क्योंकि शटर स्पीड थोड़ी सी कमजोर हो जाती है कम लाइट के अंदर। इसके अलावा जैसे बैकग्राउंड में लाइट आती है तो उसे काफी खूबसूरत तरीके से कंट्रोल कर लेता है, फ्लेयर्स नहीं फैलाता चारों तरफ। प्लस यहां पर पोर्ट्रेट मोड भी बढ़िया है, लेकिन 35mm तक 50mm में थोड़ा सा वीक हो जाता है। तो ये है इसके कैमरास की कहानी। और फ्रंट कैमरा तो आप खुद देख सकते हो, जज करके मेरे को बताना आपको कैसा लगा। मैं बताऊं यहां पर कलर्स काफी अच्छे हैं, आई प्लीजिंग है, डिटेल्स बढ़िया है पोर्ट्रेट मोड के अंदर, एज डिटेक्शन भी बढ़िया है। तो ये कहा जा सकता है कि भाई इसका जो कैमरा है वो 25,000 वाले फोन तक को टक्कर दे देगा और इस प्राइस रेंज के अंदर तो बेस्ट बोला जा सकता है। बस वही है थोड़ा सा कॉन्ट्रास्ट और इंप्रूव कर लेना है जगह जगह पर जो बढ़ जाता है तो और भी ज्यादा सॉलिड हो जाएगा। बाकी आपको कैसे लगे इसके कैमरा वो मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। बाकी इस फोन के अंदर एक चीज तो है, जैसे कि काफी सारी कंपनी क्या करती है ना, आपको तगड़ा डिजाइन दे दिया, कर्व डिस्प्ले दे दी, कमजोर सा प्रोसेसर डाल के ना उसमें आपको ऐप एनिमेशन नहीं देते। जब भी आप ऐप वगैरह खोलोगे वो झटाक से खुल जाएंगे, आपको लगेगा क्या फास्ट है, लेकिन आपको स्मूथनेस तो मिल ही नहीं रही है। तो यहां पर आपको ऐप एनिमेशन हर जगह मिलते हैं, स्मूथनेस भी बढ़िया है जितना मैंने इसको यूज करा है, ऐप ओपनिंग क्लोजिंग बढ़िया, रैम मैनेजमेंट काफी अच्छे से काम करता है, यहां पर मैंने मल्टीपल एप्स भी खोली हैं इसके अंदर। बस मेरे को एक चीज की कमी लगी, आप कोई हैवी टास्क करके जैसे कैमरा ऐप पर क्लिक करोगे ना तो वहां पर आपको जिटरिंग मिलेगी, और ये मैंने काफी सारे और फोनों के अंदर देखा है मोटोरोला के, और ये चीज मैंने आपको पहले ही बताई थी। अब मेरे पास ना गूगल पिक्सल का फोन है, मैंने इसमें भी आपको ये चीज पहले बताई है कि जब भी आप कोई हैवी एप्लीकेशन यूज करने के बाद कैमरा ऐप ओपन करोगे तो वहां पर जिटरिंग मिलती है। तो ये सेम मतलब भाई भाई वाली चीज है, और इस सब के पीछे मुझे एक चीज लग रहा है कि ये प्रॉब्लम है एंड्रॉइड की, तो मोटोरोला को जल्द से जल्द इस चीज का कुछ करना चाहिए। वैसे ये भी हो सकता है एंड्रॉइड 15 के अपडेट के बाद फिक्स हो जाए। वैसे अगर आपको जानना है ना एंड्रॉइड 15 के बाद आपको क्या क्या चेंजेस मिलेंगे फोन में तो आप हमारी ये वाली वीडियो चेकआउट कर सकते हैं। बाकी देखो ये फोन प्रॉपर गेमिंग के लिए तो नहीं है अगर आपको लाइव वाइव आके खेलना है, लेकिन हाँ अगर आपको अपने दोस्तों के साथ गेम प्ले करना है उसके लिए बढ़िया। हमने इसके अंदर BGMI प्ले करा, सारी सेटिंग्स अनलॉक मिलती है और स्मूथ 60fps में मैं कहूंगा कि बेस्ट स्मूथनेस मिलती है, आप गेम प्ले कर सकते हो और कोई भी हीटिंग इश्यूज नहीं है, काफी अच्छे से हैंडल कर लेता है सारी टास्क को, तो भाई परफॉर्मेंस भी बढ़िया मिल रही है इसकी। बाकी मोटोरोला का इतिहास तो मैं पता ही है, बैटरी बैकअप सॉलिड मिलता है इनके फोनों का, और यहाँ पर भी मेरे को सॉलिड ही मिला। इसका आइडियल बैटरी ड्रेन बताऊं, मैंने वाईफाई कनेक्ट करके रखा था, रात को सो गया था 100% चार्ज करके, और उसके बाद भी एक बार मेरे को 99% मिला, और मैक्सिमम इसका जो आइडियल बैटरी ड्रेन मिला वो 3% का मिला है, तो इससे ही आप अंदाजा लगा सकते हो। खैर यहाँ पर अगर आप एक मिक्स फोन यूज करने वाले, मतलब अगर आप एक नॉर्मल से हैवी यूजर भी हो ना तो भी आपको 7 से 8 घंटे का बैटरी बैकअप निकाल के देगा, आप कितना भी कॉल पे बतिया लो यहाँ पर भाई मस्त इसका बैटरी बैकअप मेरे को लगा है। प्लस 68W की फास्ट चार्जिंग मिलती है वो अलग है, तो तड़कता भड़कता भी तेजी से चार्ज हो जाता है। मेरे हिसाब से फोन काफी बढ़िया है, मतलब इस प्राइस रेंज के अंदर काफी कम कंपनियां हैं जो कि ऐसा वेल बैलेंस फोन बनाती हैं। और मोटोरोला के पास जो सबसे बड़ी एडवांटेज है ना इस प्राइस के अंदर जो दूसरी कंपनी नहीं देती वो ऑब्वियसली इसका एक क्लीन UI है, क्योंकि इस प्राइस में ना जनरली हर कंपनी भर भर के कचरा देती है। तो मैं कहूंगा कि 22,000 जिसका प्राइस रखा है ना भाई बहुत सॉलिड है, एंड एक्चुअली जितनी इसकी मार्केट में हाइप है ना मेरी यूजेज के बाद मेरे को उतनी ही लगी है। बाकी आप बताना अगर आप इस विंगार्डियम लेवियोसा बंद हो जा कुछ भी अगर आप इस फोन को यूज कर रहे हो, कमेंट में बताना आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा है, आपका भाई आपके कमेंट पड़ेगा। चैनल पर नए हो चैनल सब्सक्राइब कर देना, वीडियो कर देना लाइक। तो मिलते हैं जल्दी कूल और एक्साइटिंग वीडियो में, तो जब तक के लिए जॉन मैगैस वगैरह 2 और 4 स्टेटिंग विद द चैंपियन बॉक्स गाइस।